दिन दहाड़े अपहरण की घटना, सरेआम युवक का दबंगों ने किया अपहरण, बीच चौराहे असला दिखाकर दहशत फैलाई, कर्नलगंज के मनमोहन पार्क चौराहे से उठाया पैसों के बड़े लेन देन की बात आ रही है सामने। अपहरण का भी सड़क से वीडियो वायरल हुआ है, इसमें बंदूक के बल पर साफ तौर पर दिख रहा है वीडियो में एक युवक को अगवा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इसमें कार्रवाई? एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़के को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाते हुए दिखाई पड़ा। जैसे ये वीडियो हम लोग संज्ञान में आया, तत्काल पूरे शहर में चेकिंग शुरू कराई गई थी, सीमाओं को सील किया गया था, जिसका परिणाम रहा कि वो करेली से बाहर नहीं निकल पाए और वहीं पे उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की गई। उसमें वो व्यक्ति भी है जिसको लोग ले जा रहे थे। आरंभिक जानकारी में अभी ये आया है कि जिस व्यक्ति को यहाँ से गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा था वो कोई जूनियर हाई स्कूल के मैनेजर है करछना तहसील क्षेत्र में, जहाँ दो लोगों के अपॉइंटमेंट का पैसा ले रखा था। इनका कहना है कि 13.5 लाख रुपया करीब इन पे ड्यूज बनता बकाया है, जो कई बार पूछ मांगा जा रहा था, कई बार इसकी बातचीत हुई थी और ये वापस नहीं कर रहे थे और ये वजह थी इनको ले जाने की। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं, ये इस तरह से किसी को गाड़ी में बैठाना बिल्कुल गैरकानूनी है और इन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिटेल पूछताछ की जा रही थी, उसमें 4 से 5 लोग दिख रहे थे, जो लोग भी गाड़ी में अभी करेली थाने में पूछताछ हो रही है, जैसे विस्तृत जानकारियां मिली। इसके अलावा जो बंदूक है क्या व्यक्ति लिए हुए हैं, क्या उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी उनके खिलाफ़?